हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। अगर आप सुबह या शाम में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं, ऑयल फ्री खाना चाहते हैं, कम तेल का बना हुआ, तो आप इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन। तो यहाँ हमने 1 कप बेसन लिया है और उसी कप से आधा कप लेंगे हम चावल का आटा। आप इसके जगह पे सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चावल का आटा का यूज़ किया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो उसके जगह पर आप 1/4 कप मैदा का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत ही टेस्टी बनेगा ये नाश्ता। तो इस तरह से हमने उसी में चावल का आटा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा है, 1 चम्मच अजवाइन, क्रश किया हुआ अजवाइन है, पहले से ही हमने इसे क्रश कर लिया है अच्छी तरह से। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ी सी चाट मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और इसके बाद हम कुछ में इसमें सब्जी ऐड करेंगे। तो सब्जी आप पसंद से, जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और यहाँ 2 हरी मिर्च हमने लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद हो। और थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ गाजर, गाजर को कद्दूकस करके डालने से अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। और थोड़ी सी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और इन सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और इससे हमें पतला घोल तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। एक हाथ से मिक्स करते जाएंगे, एक हाथ से पानी डालेंगे ताकि हमें पता चले। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना ताकि कोई भी लम्स ना रहे। तो देख सकते हैं बैटर तैयार है, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो हम इसे और पतला करेंगे। तो थोड़ी सी और पानी ऐड करेंगे इसमें और इस तरह से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं हमें इतना पतला घोल बनाना है। तो बैटर रेडी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे तवा रखेंगे, तवा या पैन किसी भी चीज़ में हम बना सकते हैं। और हम इसे बहुत ही कम तेल में बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम डालेंगे बस 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसे इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके बैटर को फैला लेंगे। और इस तरह से ये फैलाते हुए गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और 2 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर इसे कुक होने देंगे। तो इस तरह से 2 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटाकर देखेंगे। तो देखते हैं सब्जी हमारा, देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है। और किनारे से भी देखेंगे कहीं से लगा तो नहीं है। तो इस तरह से किनारे से थोड़ा सा इस तरह से हटाकर देखेंगे। तो देख सकते हैं कितना आसानी से निकल जा रहा है ये। तो अब इसे हम क्या करेंगे कि फोल्ड करेंगे इस तरह से और दूसरे तरफ से भी फिर एक बार फोल्ड कर देंगे। तो देखिए कितना आसानी से नाश्ता बनकर रेडी हो गया। अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब आगे का जो घोल बचा है उसे भी इसी तरह से बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना आसान है इसे बनाना। अभी बनाइए, खाइए और खिलाइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।